हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये हमारी क्लास नंबर 50 है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कोर्स की। और इसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है? जो प्रोडक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, कैसे कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आउटपुट फंक्शन दिया हुआ है एड एन टू के, वेल बिहेव्ड है, आप सभी को बताऊँगा। वेजेज आपकी 20 दे रखी है, रेंट आपका 40 दे रखा है और कॉस्ट आपकी 600 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा केस हो गया। कॉस्ट तो ये आपकी गिवन है, और तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा आपको, आप एक सेकेंड इसे मैं सही कर लूँ एडजस्ट। हाँ जी, अब सही है। तो कॉस्ट आपकी गिवन है 600, तो अब आपको क्या करना है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये वो वाला केस है। तो कोई नहीं, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ऑप्टिमल इनपुट चॉइसेस एंड मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद दिस कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन आप सभी को पता ही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, एम आर टी एस इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर। एम आर टी एस आपका क्या होगा, इस केस में के बाय एल हो जाएगा और ये आपका डब्ल्यू बाय आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, आर के इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। आइसोकोस लाइन क्या होती है आपकी, आर के प्लस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे डब्ल्यू एल ये रिलेशन पहले ही आ गया था, तो टू आर के इज इक्वल टू सी हो जाएगा, टू आर के इज इक्वल टू सी। अब बस वैल्यू डाल दो, आर कितना दे रखा है 2 × 40, के आपको निकालना है, सी आपका कितना है 600। दिस मीन्स के इज इक्वल टू 7.5, एल इज इक्वल टू 15। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आइए आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन, कौन सा ले, आप ले लो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन ले लो, ठीक है? आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मत कहना, यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, वो सब याद रखना। तो ये क्या हो गया, एल प्लस के डब्ल्यू वही 20, आर आपका 40, कॉस्ट आपकी गिवन 600। एम आर टी एस क्या है इसका, जल्दी से बता दें, एम आर टी एस क्या आएगा, बी बाई ए होता है और वो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है? तो एम आर टी एस की अगर बात करूँ वो आपका 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड ही बनी है। और अगर आपका डब्ल्यू बाई आर की बात करूँ, सेम मतलब उसी के उससे करना है, जैसे आप पहले प्राइस रेशियो को उससे कंपेयर करते थे ना, तो बिल्कुल सेम चलेगा, बस वो चीज़ें अलग हो रही है, नाम अलग हो रहे हैं। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या करते थे, कंपेयर करते थे एम आर एस और प्राइस रेशियो को, यहाँ पर एम आर टी एस और प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल को कंपेयर करोगे, कहाँ नहीं आपकी सेम आनी है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आपका एम आर टी एस पड़ा है डब्ल्यू बाई आर से, दैट मीन्स वो सारी लेबर ही खरीद देगा। तो एल क्या हो जाएगी आपकी 600/20, विच इज़ इक्वल टू 30 यूनिट, और के आपकी हो जाएगी 0, ठीक है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए फिर ये आप खुद कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, क्यों मैं दे रहा हूँ आपको एल प्लस 5 के, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है? बाकी सारी आर एल और जो भी था ये सब कहानी सेम है कॉस्ट की। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पॉज करके खुद भी करते रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एम आर टी एस निकालना है, बस वो लगाएगा, वो क्या होता था एम पी एल अपॉन एम पी के, ये क्या हो गया आपका, ठीक है? ये एम पी एल कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया, एम पी के कितना हो गया 5 हो गया। और फिर क्या कहते हैं आपको डब्ल्यू बाई आर देखना है, डब्ल्यू बाई आर आपके पहले निकाले ही था 1/2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू बाई आर ज़्यादा है एम आर टी एस से, दैट मीन्स वो सारी कैपिटल खरीद देगा। 600/40 इसे काटोगे 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन पे, कि आपको गिवन आउटपुट है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्यों आपको वही गिवन है एल इन टू के, डब्ल्यू इस बार 10 है, आर आपका 20 है, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एट मिनिमम कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो 100 यूनिट आपको आउटपुट ऑलरेडी गिवन दे रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ तो यही होगी, एम आर टी एस इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन ही है, तो सबसे पहले बात तो ये होगी। तो वो क्या, मैं लिख ले डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एम पी एल अपॉन एम पी के इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर। ये तो कंडीशन हमें पता ही है, ये हो गई आपका के बाय एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर, कितना हो गया 10/20, 1/2 लिख लो। तो यहाँ पे आपका रिलेशन आ गया 2 के इज इक्वल टू एल। अब आइसो क्वांट क्या है आपका, आइसो क्वांट है आपका एल इन टू के, और आउटपुट आपका ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट कर दूँ, एल की जगह 2 के रख दो या के की जगह वो रख दो, तो मैं एल की जगह रख देता हूँ के को, तो ये हो जाएगा 2 के² इज इक्वल टू 100, के कितना आ जाएगा √50, या आप कह लीजिए 7.07। और एल कितना आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा 2 √50, विच इज़ 14.14। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई शोक, समस्या नहीं? पर अब हमें कॉस्ट बतानी है, भाई कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो किससे आएगी, वो आपका आइसो कॉस्ट से आएगी, तो डब्ल्यू एल इन टू आर के, ठीक है? अब आपको क्या कहते हैं, बस कुछ नहीं करना, लिख देता हूँ, चलो आर के वैल्यू रख दो,
डब्ल्यू कितना था 10, एल कितना आया 14.14 प्लस 7.07 ये आया इन टू इससे कर दो 20 से, ये आपकी मिनिमाइज मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आगे खुद सॉल्व कर लेना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, पांचवा क्वेश्चन नंबर। इसमें आपका ले लेते हैं क्यू इजल टू एल प्लस के, और आपका वही है 100 यूनिट गिवन है, आपको सारी मतलब पता होने चाहिए इसलिए करा रहा हूँ। तो 100 यूनिट गिवन है, तो सबसे पहले कंडीशन तो वही होगी, एम आर टी एस आपका क्या हो गया 1, डब्ल्यू बाई आर आपका क्या हो गया 1/2, यहाँ पे बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका आर जीरो कर देगा, एल आपका पूरा होगा, जितना बचा एल आपका पूरा होगा, क्योंकि आपको पता है कि गिवन आउटपुट कितना है 100 है, तो वो सारा आपका एल में जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्यू की जगह क्या आएगा 100, के आपका जीरो हो ही गया, वो सॉरी ये क्या था, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने आर नहीं, के आएगा ना यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे के आपका जीरो हो ही गया, तो यहाँ पे पूरा क्या है एल पूरा कितना आ गया 100 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे आप इसमें कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट बहुत ही आसान से निकल जाएगी, आईसो कॉस्ट लाइन से आपका कितना था, पेजेस आपकी 10 थी, इंटू यूनिट कितनी है लेबर की, लेबर की यूनिट 100 आ गई, आगे तो आपकी कहानी जीरो ही होनी है, या लिख लो 20 इंटू जीरो कितना आ गया कॉस्ट, 1000 रुपये आ गई भाई आपकी कॉस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो आप और करो, क्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2L कॉमा के, ये पहले वीडियो पॉज करके खुद करते रहेगा तो आपको रिवीजन भी होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो किंग कंडीशन देखनी है, या आपको किंग की कहते हैं, इसमें कोई वो वाली कंडीशन नहीं होती क्योंकि इसमें कर्व नहीं आता है, टेंजेंसी कंडीशन नहीं होती, इसका ऐसे करके ऐसे जाता है, तो ये कोई टेंजेंट थोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे इसे किंग कहा जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या कंडीशन थी आपकी, ए के इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, किंग किंग पे लगता है, ये किंग माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा के, क्योंकि ए कितना है, अच्छा हाँ ए आपका कितना है 2L कॉमा के है ना, तो बस ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 2L इज इक्वल टू आपका क्वांटिटी 100 गिवन ही है, तो इससे क्या हो गया L तो आपका 50 आ गया, के आपका 100 आ गया, कॉस्ट निकाल लो आराम से निकल जाएगी 100 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 10 यह आ गया आपका 2500। अब चलिए एक दिमाग लगाने वाला आपको क्वेश्चन देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, खुद सॉल्व करना फिर पॉज करके वीडियो देखना। ये आपका आउटपुट फंक्शन दे रखा है एफ के कॉमा एल इक्वल टू, मैं ले लिया आपने ए के प्लस बी एल, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सीधा बोल रखा है राइट कॉस्ट फंक्शन, कैसे निकालोगे अपना दिमाग लगाओ फिर सॉल्यूशन को देखो। तो सबसे पहली बात ये आपका वो लीनियर वाला केस है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन वाला, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कह लो ये, ठीक है, मैं समझाने के लिए कहता हूँ, पर क्या कहते हो आप क्या कहते हैं, सिर्फ रेफरेंस लिया करो, इसे वो ही मत बोला करो, जो नाम है उसी से पुकारा करो। तो इसमें केसेस बनेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसमें 3 केस बनते थे, तो केस 1 ले लेते हैं पहले। केस 1 में क्या, एक बार ले लेता हूँ कि एम आर टी एस जो है वो बड़ा है आपका डब्ल्यू बाय आर से, इसका मतलब बी बाय ए, एम आर टी एस बी बाय ए इसका, ये किससे बड़ा है आपका डब्ल्यू बाय आर से, दैट मीन्स कि आपका के ज़ीरो है और एल जो है आपका सी बाय डब्ल्यू है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्यू जो आ गई आपकी, क्यू आ गई बी इंटू एल, ठीक है, क्योंकि आपका के ज़ीरो है, और वहाँ पे यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये कितना बच जाएगा, क्यू इजल टू बी एल ही बचेगा, और यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालना चाहो तो एल कितना आ जाएगा क्यू बाय बी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और यहीं से आप क्या कहते हैं वो निकाल लो, के जो के है वो कैसे निकलेगा, वो बस क्या कहते हैं एल की वैल्यू इसमें डाल दो इस बार, और के आ जाएगा आपका क्या आएगा, क्यू इजल टू ए के आ जाएगा, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा, और के आ गया आपका आपका वैसे के आ जाएगा कितना आएगा क्यू बाय ए, पर ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है ना भाई, के तो जीरो है, क्यों निकाल दो जबरदस्ती, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, वो सेकंड केस में निकलेगा जो मैं निकाल रहा है, तो ठीक है ये ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीज़ों का। तो यहाँ पे एल क्या है, एल क्या है आपका क्यू बाय बी, अब इसे ही क्या कहते हैं आप उसमें रख दो आइसोकॉस लाइन में, ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल प्लस आर के, ये लिख दो, के आपका जीरो था इसलिए मैंने नहीं निकाला, यहाँ पे जीरो आएगा वैसे भी, ठीक है, के जीरो था, ये सेकंड केस वाला केस है जिसमें क्यू इज इक्वल टू ए के आता है ना, तो मैंने वो लिख दिया था, पर कोई नहीं। तो ये आगे डब्ल्यू एल, एल की जगह आप ये रख दो क्यू बाय बी, ये और ये नोटेशन भी सेम रखना भाई, कैपिटल और स्मॉल जो चलाते आ रहे हैं ना वही चलाना, तो डब्ल्यू इंटू ए बाय बी, ए बाय बी को आप क्या लिख दो
या मतलब ये ए नहीं है, सॉरी क्यू है, हाँ क्यू बाय बी हो गया। तो इसे कैसे लिख सकते हो, क्यू इंटू डब्ल्यू बाय बी। तो ये आ गया आपका केस वन में। वैसे ही आप केस टू बनाओ, केस टू में क्या होगा, एम आर टी एस होगा छोटा डब्ल्यू बाय आर से, वही कहानी बस छोटा चलता रहेगा डब्ल्यू बाय आर। इसमें क्या करोगे, एल जीरो हो जाएगा और के क्या हो जाएगा, सी बाय आर। इसमें क्या आएगा, ये आएगा ये वाला जो निकाला था, क्यू इजिकल टू क्यू बाय ए इजिकल डायरेक्ट लिख रहा हूँ के। और यहाँ पे आप सी फंक्शन निकालोगे तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा आर इंटू, उसमें बस वैल्यू रखनी है क्यू बाय। ठीक है, अब भाई आप सोच रहे होंगे केस थ्री भी होता है सर कि जिसमें इक्वल होता है, वो वाला केस होता है आपका इनडिटर्मिनेट, उसमें नहीं बता सकते कि आप भाई क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंट ही इतने सारे हो गए, सारी जगह कहीं भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया आपका फिनिश। अब आइए एक केस, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ये भी आप खुद निकालना, कोस फंक्शन निकालना आ जाएगा। एक बार इसका देख ले रहे कॉम्प्लीमेंट वाले का, एक है कॉमन बी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉस फंक्शन निकालना है। वो कैसे निकालोगे, पहले वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, ए के इजल टू बी एल इजल टू क्यू, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल लो, एल और के की। एल क्या आ जाएगा, क्यू बाय बी, और के क्या आ जाएगा आपका, क्यू बाय ए। बस इसे कुछ नहीं करना, आप अपना आइसो कॉस फंक्शन में रख दो डब्ल्यू एल प्लस आर के, ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू क्यू बाय बी प्लस आर इंटू क्यू बाय ए। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो आप कॉमन भी ले लो। और ये क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन अगर जैसे याद भी होने चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट भी कभी कम मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट भी इसे यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखा होगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगा होगा ये न्यूमेरिकल की क्लासेस, और कंसेप्ट में क्लैरिटी तभी आती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको सहायतामंद रही हो तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक्स का ग्रुप है या इको से रिलेटेड, अगर ये काफ़ी उसमें आता है, मतलब ये इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो सारी जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।